नमस्कार साथियों, GLCIS में स्वागत अभिनंदन। मैं गुरुजी। आज अपन देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण MCQs। आइए स्टार्ट करते हैं कम टाइम में फटाफट रिवीजन सीरीज। इसकी PDF लेने के लिए आप लोग GLCIS एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? काठी नाट्य रिलेटेड टू विच एरिया? सी मालवा। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? मंडला, खरगोन, बैतूल, खंडवा। तो गांजा उत्पादन में वैसे खंडवा का नाम सुना है, या खरगोन कैसे लिखा है मेरा समझ से परे है। गांजा उत्पादन में जो है खंडवा जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने कराया था? चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था? नेशनल पार्क कौन सी ईयर बना? 1953, 1954, 1955, 1956। सी 1955। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप, नहरें, रहट, कुएं। सिंचाई का सबसे मेजर तो नहरें। MPPSC प्री टेस्ट सीरीज आप लोग परचेज कर सकते हैं GLCIS ऐप से। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर विद डिस्क्रिप्शन। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। डेफिनेटली आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए ऐप डाउनलोड करके। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? विदिशा, छतरपुर, रीवा, पन्ना। छतरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? विच प्लेस आर रिलेटेड टू किंग अशोक? भरतरी गुफाएं, बावन गजा, मोती महल, सांची। तो सांची, यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है वो अशोक के काल से संबंधित है। ये रायसेन जिले में आते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो किस जिले में आता है? तो जबलपुर में, और इसकी दो खंडपीठ है, एक ग्वालियर और एक इंदौर। मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू परसेंटेज पूछा है कि सर्वाधिक ST परसेंटेज किस जिले में है? मंडला, भिंड, झाबुआ, छिंदवाड़ा। तो झाबुआ में, परसेंटेज में झाबुआ और संख्या में धार है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, कांकेर। बुरहानपुर। MPPSC 2021 प्रीलिम्स के लिए यूनिट वाइज इंग्लिश मीडियम टेस्ट, इंग्लिश मीडियम ई नोट्स भी अवेलेबल हैं ऐप पर, आप देख सकते हैं। बहुत सामान्य पोस्ट पे रखे गए हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? रीवा, पन्ना प्लेट्यू, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड और मालवा प्लेट्यू। तो मालवा जो है वो सोयाबीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखो, सरल से कठिनता की ओर बढ़ना है तो प्रथम CM थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले CM जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 वर्ष निभाया था, पूरा 5 वर्ष तक चला, कैलाशनाथ जी काटजू। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, आप भोपाल से संबंधित थे और आप आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, महामहिम बने। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? डायरेक्शन जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर। चंबल, केन, कालीसिंध, इनमें से कोई नहीं। तो केन नदी, केन नदी का प्रवाह जो है वो कैसा है? उत्तर से दक्षिण। अगर आप चंबल देखेंगे तो ये कैसे जाती है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और फिर धीरे धीरे ये पूर्व की ओर घूम जाती है। सेम कालीसिंध का है, और कालीसिंध जो है वो चंबल की सहायक है। इनमें से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे पर है? इनमें से कौन सी सिटी है जो चंबल बैंक पे है? मऊ, रतलाम, भिंड, मुरैना। तो मऊ जो है वो चंबल पे आता है, रतलाम भी वैसे चंबल पे आता है जहाँ तक मेरी जानकारी है,
भिन्न मुरैना का ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश में लोएस्ट उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? बालाघाट, बैतूल, सीधी, रीवा। बालाघाट। देखिए लोएस्ट, तांबा, मैग्नीज, इन खनिजों में क्या बालाघाट वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है वो रिच है। हिंदी मीडियम यूनिट वाइज नोट्स भी जो हैं ई नोट्स ऐप पर अवेलेबल है, आप एक बार एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्न से कौन सा है? ये तो सबको आना चाहिए, इंदौर, सही आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा अफीम के रूप में? उज्जैन, रायसेन, मंदसौर, खंडवा। मंदसौर। और एक जिला एक उत्पाद में मंदसौर में लहसुन उत्पाद जो है उसके लिए प्रमोट किया गया है, और मंदसौर का जो लहसुन है वो विदेशों में काफ़ी डिमांडफुल है, अभी इसके निर्यात में 5 गुना वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरणालय कहाँ पर स्थित है? एनवायरमेंट को लेकर जो पहला पर्यावरणालय है वो कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना। आप देखेंगे तो देखिए मैग्नीज की सबसे बड़ी जो खान है, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू मैग्नीज जो है वो क्या कहलाती है? भारवेली, बालाघाट, अब उसके आसपास सही है आप थोड़ा सा तो छिंदवाड़ा। मैग्नीज के लिए छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट की जो पूरी बेल्ट है वो जानी जाती है, और मैग्नीज की सबसे प्रसिद्ध खान जो है वो भारवेली है जो बालाघाट में आती है, जिसे मैग्नीज राजधानी भी कहा जाता है राज्य की। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है? हीरे के लिए जाना जाता है, यहाँ पे सीधे माइंस के नाम दिए, मझगांवा, सलीमाबाद, उमरिया, बैतूल। तो मझगांवा, पन्ना। एमपीपीएससी प्री केवल एफएलटी और यूनिट वाइज टेस्टेज के लिए अलग से एक टेस्टेज हम लोगों ने एप पर डाली है, जिसकी कॉस्ट 199 RS है, अफोर्डेबल कॉस्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं, आप लोग ज़रूर देखें। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, ग्वालियर। जबलपुर, भेड़ाघाट विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के सहयोग से बनी? उर्मिल परियोजना जो है उसमें एमपी के साथ कौन कौन सा राज्य है या कौन सा राज्य है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। तो उत्तर प्रदेश, उर्मिल परियोजना उत्तर प्रदेश इसके साथ सहयोगी राज्य है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? मतलब सोयाबीन जिससे जो तेल बनाया जाता है वो किस जगह पे है? मंडीदीप, पीलूखेड़ी, पीतमपुर, मक्सी। तो मंडीदीप, मंडीदीप रायसेन है, या ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी है और सोयाबीन ऑयल प्लांट भी है। हालांकि सबसे बड़ा सोयाबीन ऑयल जो रिफाइनरी थी वो अपने उज्जैन में थी, हालांकि अभी बंद है वो। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? ऑटो रिलेटेड है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट, पीतमपुर, बजाज टेम्पो। और डेट्राइट यूएसए की सिटी है जो कार उद्योग के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चचाई, टोंस, वोगरा, धुआंधार। तो वोगरा नहीं है, क्योंकि चचाई, टोंस और धुआंधार जो हैं ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? डी, उज्जैन। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, जो हमारे राज्य चिन्ह में नजर आता है मध्य प्रदेश के, जो 1981 में अडॉप्ट किया गया। कर्मा नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, कोल, मारिया, गोंड। तो गोंड जनजाति से। अगर आप देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि कर्मा जाति एक दो अन्य जनजातियों से भी रिलेटेड नजर आती है, पर यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोंड। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ज़िले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती, मतलब कहाँ बोली जाती है? वो तीन ज़िले आइडेंटी करने हैं आपको, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया। तो दतिया में नहीं, क्योंकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में ब्रज भाषा का पुट आता है। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? इंदौर, सागर, जबलपुर, रीवा। तो सागर के अंदर अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? भगोरिया डांस रिलेटेड टू ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो मेनली ये जावा, भील जनजाति से संबंधित है, काफ़ी
एक विवाह उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। मेले जैसी स्थिति वहाँ रहती है और बहुत ही मध्य प्रदेश की पहचान में गिना जाता है ये। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? रीवा, क्योंकि वहां पे रेवाड़ी बोली जाती है या थोड़ा सा बघेली का फुट आता है। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य, ये सभी। तो डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? विशाल संग्रहालय, विशाल सभागृह, विशाल भवन, इनमें से कोई नहीं। तो भी विशाल सभागृह है ये, नाट्यगृह के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1981 के अंदर की गई। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम जो हॉकी के लिए जाना जाता है, भोपाल, एस्ट्रोटर्फ। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी, अशोकनगर। मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? बोध घाट जल विद्युत परियोजना तो इंद्रावती नदी। अगर इंद्रावती नदी की अपन बात करें तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। इंद्रावती छत्तीसगढ़ जो है वहाँ की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। इंद्रावती प्रोजेक्ट भी उसी से रिलेटेड है। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का संबंध है? खंडवा, देवास, मेहर, ग्वालियर। आप ध्रुपद गायक किससे संबंधित है? कुमार गंधर्व पुरस्कार भी दिया जाता है। कुमार गंधर्व संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में है। आपका संबंध कुमार गंधर्व जो थे, इनका संबंध किस जिले से था? तो देवास से। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? तो कोरकू जाति का जो निवास क्षेत्र है वो दक्षिणी जिलों में आता है। दक्षिण वाला भाग जो बुरहानपुर से आगे वाला भाग है, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा वाली जो बेल्ट है वहाँ। और एक बार आप GLCIS एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 14 पुलिस संभाग हैं। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश में दो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिनमें से एक भोपाल में और दूसरा किस जिले में स्थापित हुआ हाल ही में? सतना। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का राज्य दिवस, क्योंकि 1 नवंबर 1956 में हमारा गठन हुआ था, इस कारण से 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर सम वर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिला है वो सम वर्षा रेखा, लहरदार, रेखीय, गोलाकार, मोड़दार। तो मोड़दार मतलब वितरण जो है वो सही तरीके से नहीं है, इस कारण से यह मोड़दार रेखाएं बनती है। जैसे राजस्थान में आप देखेंगे तो सीधी सीधी रेखाएं खींची हुई है, लेकिन यहाँ पे जैसे 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन, 50 से 75 का, तो मोड़दार शेप में बनती है, फोल्डेड। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल से। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से आरंभ होता है? 4 से। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग अलग बना था? ये गलत है, इंदौर से। बुरहानपुर इंदौर से अलग नहीं हुआ था, क्योंकि खरगोन से जो अलग हुआ था वो बड़वानी हुआ था, और बुरहानपुर जो है वो शायद खंडवा से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थस्थल 52 गजा स्थित है? जैन धर्म से। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 30 अप्रैल 1977। इसकी PDF आप GLCIS ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।